أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. और मूसा ने कहा, अगर तुम और तमाम रूए ज़मीन के लोग मिलकर नाशुक्री करो तो बेशक अल्लाह बेपरवाह और हमद किया हुआ है। क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले लोगों की खबरें नहीं आईं, नूह की कौम और आद और समूद की और उनके बाद के लोगों की, जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उनके पास उनके रसूल वाज़ह दलाइल लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुंहों पर रख दिए और कहा, जिस पैगाम के साथ तुम्हें भेजा गया है हम उसका इनकार करते हैं और बेशक जिस दीन की तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो हम उसके मुतालिक सख्त शक में मुब्तला हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के मुतालिक शक है जो तमाम आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है? वह तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे बास गुनाहों को बख्श दे और मौत के मुकर्रर वक्त तक तुमको अजाब से मुअख्खर रखे। उन्होंने कहा कि तुम तो महज हमारी मिसल बशर हो, तुम तो ये चाहते हो कि हमें इन माबूदों से रोक दो जिनकी हमारे अबाओ अजदाद परस्तश करते थे, सो तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लाओ। उनसे उनके रसूलों ने कहा, हम तुम्हारी तरह बशर ही हैं लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहे एहसान फरमाता है और हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह की इजाज़त के बगैर तुम्हारे पास कोई दलील ले आएं। और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए और हम अल्लाह पर तवक्कुल क्यों ना करें? उसने हमें अपनी रास्तों की हिदायत दी है और तुमने जो हमें तकलीफें पहुंचाई हैं हम उन पर ज़रूर सब्र करेंगे और तवक्कुल करने वालों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए।
सदाकल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। ब्रादरान दीन व मिल्लत, आज के सबक में सूरह इब्राहिम से हम चंद आयात तेज़ी के साथ सीख लेना चाहेंगे। कुछ असबाक इससे कबल आज की आयात में जो आए हम सीख चुके हैं, और जो नई बातें चंद एक बनती होंगी ताज़ा हवाला जात के साथ, वो आज हम इंशाअल्लाह सीखने का एहतमाम करेंगे। पहली आयत, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के सामने एक जुमला इरशाद किया था। वो जुमला बड़ा खूबसूरत था। पैगंबरों के जुमले खूबसूरत ही हुआ करते हैं। मौला ताला ने इस किताब हिकमत में उस जुमले का हवाला इरशाद फरमाया। वो जुमला दो तरह के मानी रखता था। जुमला कौन सा है? फरमाया कि इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्दी जमीआ, तुम जो इस वक्त मेरे सामने हो ऐ मेरी कौम के लोगों, और फिर सारी रूए ज़मीन के जितने लोग हैं वो सब, अगर अल्लाह के साथ कुफर करो तो अल्लाह को फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। उनवान ये था, फ़इन्ना अल्लाह लगनीयुन, वो बेपरवाह है, वो गनी है, हमद किया हुआ है, तो तुम्हारा कुफर अल्लाह को कोई परेशान नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ कोई नुकसान नहीं डाल सकता, अल्लाह बेपरवाह है। हज़रत इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने इस जुमले को दो तरीक़े से समझने का एहतमाम किया। एक जुमला वो है जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा अंदाज़ वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इरशाद फरमाया था। देखिए तस्वीर का एक रुख जो इस आयत में हम देख सकेंगे हज़रत राज़ी के हवाले से, वो रुख ये है, एक तरफ ईमान हो और एक तरफ कुफर। जैसे कि हज़रत मूसा पैगंबर अपनी कौम को सामने यह खिताब इरशाद फरमा रहे हैं, और ऐसे ही हर रसूल अपनी कौम के सामने जो ईमान का खिताब इरशाद फरमाता है, अलगरस एक तरफ ईमान और एक तरफ कुफर। तो एक पैगंबर अल्लाह के इज़न से यूं गोया होता है कि ऐ लोगो, जिन्होंने कुफर अभी तक इख्तियार किया हुआ है, अच्छा है कि कुफर से रुक जाओ और ईमान के रास्ते पर चल पड़ो, लेकिन याद रखना अगर तुम कुफर की रवज से नहीं पलटोगे, बाज नहीं आओगे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह के नबी को क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा? क्या जो दावत मैं दे रहा हूँ वो दावत मंदी पड़ जाएगी, या तुम्हारे ईमान कबूल ना करने से अल्लाह को कोई खसारा हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुम बल्कि सारी रूए ज़मीन के लोग भी काफिर हो जाओ, अल्लाह को इसका कोई नुकसान नहीं है। यह पहला रुख है गुफ्तगू का जो कि हज़रत इमाम राज़ी ने जिसकी तरफ इशारा फरमाया। दूसरा रुख जिसको हम अपने साथ जोड़ करके समझना चाहेंगे, कुफर का एक माना नाशुक्री करना भी होता है। काफ फे और रे, इसका एक माना नाशुक्री करना भी होता है। नमाज में मैंने जो आयत तिलावत की, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो और कुफरान नेमत ना करो, नाशुक्री ना करो, एक आयत मैंने ये हवाले में कही। और दूसरी आयत जो गुज़श्ता सबक में आखिरी हिस्सा था, मैं वो अल्फाज आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र अदा करोगे हम नेमतें बढ़ा देंगे, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, कफर तुम, ये लफ्ज़ कफर, कफर तुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब फिर बड़ा शदीद है। तो अलगरज मकसद ये हुआ कि लफ्ज़ कुफर का एक और माना नाशुक्री करना भी होता है। आइए अब हमसे खिताब कुरान हकीम कर रहा है, फरमाया कि शुक्र अदा करोगे तो भला पा जाओगे, शुक्र अदा करोगे तो नेमतें कमा जाओगे, अल्लाह के सामने झुक झुक करके रहोगे तो अल्लाह की रहमत अपने झोलियों में भर कर ले जाओगे, लेकिन अगर तुम भूल गए शुक्र अदा करना या फिर नाफरमानी की रवश पर चले तो नाफरमानी भी तो एक नाशुक्री है। मैंने गुज़श्ता बार आपसे कहा था, सही राहों पर रहना ये शुक्र है, और गलत राहों पर चलना यही नाशुक्री है। अगर तुम नाशुक्री की रवश पर रहे, बदअमली की रवश पर रहे, तो याद रखना कि इसका नुकसान तुम्हें खुद ही होने वाला है, अल्लाह को तो इसका कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें ही इसका नुकसान होने वाला है। इसलिए कुरान के अल्फाज ये थे, लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब है जो कि बड़ा शिद्दत इख्तियार कर जाने वाला है। ये दो जहतों से पहली आयत पर कलाम सुनने के बाद हम अपने अगले मजमून की तरफ बढ़ जाएंगे। इरशाद बारी हुआ, अलम यातिकुम नबाउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या पहले लोगों की कहानियां तुम तक नहीं पहुंची?
پہنچی ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنی ہے؟ یاد رکھنا کہ علم اور نصیحت اور ہدایت اور آگاہی اور منزل شناسائی اور راہ حق پر چلنے کے لیے مختلف اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب میں سے ایک ہوتا ہے کسی کتاب وحی کا اتر آنا, کبھی ہدایت کا سبب ہوتا ہے رسولوں کی توجہ خاص کا فیض حاصل ہو جانا, کبھی ہدایت کا سبب ہوتا ہے کسی پاکیزہ شخص کی صحبت میں آ جانا, تو کبھی اور بہت سارے اسباب میں سے کبھی ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد والے لوگوں کے حالات کا جائزہ بھی تو لیا کرو. جو تم سے پہلے ہو گزرے, کافر قومیں, نوح کی قوم, لوط کی قوم, قوم سمود, قوم عاد, ذرا ان کے حالات میں ایک نظر ڈال بھی تو لیا کرو. آج وہ کیوں نشان عبرت بنی ہوئی ہیں وہ اقوام, آج وہ کیوں ان پر تازیانہ برستا ہے جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے, تو ان کے احوال میں غور و فکر کرنے سے تمہاری توجہ ایک نقطے پر آ کر کے رک جائے گی, اور وہ نقطہ کیا ہوگا؟ قرآن نے خود اسے ارشاد فرما دیا, جاءتہم رسلہم بالبینات, رسول ان کے پاس بھی آئے تھے. اب تصویر بناتے چلے جانا, پہلی قومیں ہیں تمہارے سامنے, رسول ان کے پاس بھی آئے تھے, جیسے کہ تم بھی ایک قوم ہو رسول تمہارے پاس بھی تشریف لائے ہیں. تو رسولوں نے جب ان کے سامنے بالبینات واضح واضح باتیں کر دیں, تو اس ان اقوام کی روش نتیجے میں کیا تھی؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم, تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ دیے. اب یہ کیا چیز ہے, اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر رکھ دینا, یہ کیا چیز ہے؟ انکار کرنے کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ دیے. ہاتھ منہوں پر رکھنا یہ کئی سٹائل کا ہوتا ہے, یہ اسے کہتے ہیں باڈی لینگویج, یعنی وجود کے حصص بتا دیتے ہیں کہ کہنے والا کوئی کیا کہہ رہا ہے. بھئی دیکھو نا, ابروؤں کو ایک دم سے اوپر کر دینا تو یہ کیا سوال نہیں ہوتا ہے, ہاں بھئی کدھر آئے ہو, کیا بات ہے, نہ بھی بولو تو یہ ابروؤں کا اوپر ہو جانا یہ کچھ بتا دیتا ہے. تھوڑا سا مسکرا دینا یہ اندر کی خوشی کی نشانی بن جاتا ہے, ذرا آنکھوں کو زیادہ کھول لینا یہ اندر کے غصے کا نشان بن جاتا ہے. تو یہ ہاتھوں کا منہ پر رکھنا, کبھی دیکھنا آپ نے یہ تصویر ڈاکٹر اقبال کی دیکھی تو ہوگی نا, یہ اس کے گہرے تفکر کی طرف اشارہ ہے. ہاتھ ہے منہ پر لیکن یہ کسی گہری فکر اور سوچ کی طرف اشارہ ہے. اچھا جی, بندہ کوئی اپنا ماتھا پکڑ کر سر جھکا لے, یہ اس کے اندر سے غمگین ہونے کا اشارہ ہے. تو یہ میں یہ 2 3 4 5 اشارے اس لیے بتا دیے تاکہ میرا موقع اور میرا محل سمجھ آ جائے. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ سروں کا مارنا, سروں کا ہلنا, کیا اس میں اشارے نہیں ہوتے ہیں؟ ہاں جی, کوئی بندہ اگر غلطی کر کے آئے تو آپ اس وقت بھی سر ہلاتے ہو, لیکن ذرا ایسے کر کے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کام خراب ہو گیا ہے. اچھا جی, آپ کسی کو بات سمجھاتے ہو تو آپ وہ اگلا سمجھنے والا سر کو اب ذرا یوں ہلاتا ہے, اب یہ مانا ہوتا ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے. تو یہ اشاروں کے اندر بڑی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے رسول, ان کے نبی ان سے کہتے اللہ ایک ہے, تو اب وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیتے, ہے اللہ ایک ہے, یعنی تمسخر کرتے ہوئے, مذاق کرتے ہوئے اور رسول کی بات کا بتنگڑ بناتے ہوئے وہ تعجب کا اظہار کرتے, اچھا اللہ ایک ہے, ہم تو آج تک سمجھتے رہے تھے کہ یہ سارے ہمارے رب ہیں, یہ سارے ہمارے خدا ہیں. آئندہ کلام آ رہا ہے جو اس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ آئندہ کلام کیا ہے کہ آپ جو ہو نا رسولوں کو انہوں نے جواب دیا, جو آپ لوگ ہو نا لگتا ہے کہ ہمیں ان معبودوں کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو. تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, ہمارے آبا و اجداد کے راستے سے تم ہمیں ہٹانا چاہتے ہو. گویا رسولوں کی دعوت کا تمسخر اڑا دیا گیا, رسولوں کی دعوت پر پھبتی کس دی گئی, رسولوں کی دعوت کو مذاق کا نشانہ بنا دیا گیا, رسولوں کی دعوت پر ہنس لیا گیا. میں کہوں گا کہ یہ بڑی بڑی اونچی مثال ہے, بڑی اونچی مثال ہے. اور اس مثال کو چھوٹے پیمانے پر دیکھنا چاہو تو آج بھی یہ علامات دیکھی جا سکتی ہیں. اگر تم ذرا سا دین داری میں داخل ہو جاؤ نا, ممکن ہے کہ کوئی انگلی تمہیں بھی زخمی کر دے, ممکن ہے کہ تلخ لہجہ تمہارے سینے میں بھی تلخی پیدا کر دے, ممکن ہے کہ اڑتی اڑتی پھبتیاں
मियाँ तुम्हारी भी जिंदगी की वो रौनकें छीन लें और तुम्हें परेशानियों की गलियों में धकेल दें, तो ये अच्छाई के रास्ते पर चलने से, अल्लाह के रास्ते पर बढ़ने से, अल्लाह की दावत का काम करने से और उसके रास्ते का इबलाग करने से, मैं कहूँगा कि यह फप्तियाँ कस जाना, यह मजाकों का हो जाना, यह शख्सियत को जरा बखेर दिया जाना, यह कुलाह का जरा उतार कर वो फेंक दिया जाना, यह थोड़ा सा जरा धक्कम पेल का हो जाना, जरा लेग पुलिंग कर देना, यह बड़ी पुरानी तारीख चली आ रही है। अलगरज रब कायनात ने फरमाया कि ये देखो ये कौमें थी, इनके रसूलों ने दावत दी और उन्होंने अपने हाथ अपने मुंहों पर रख लिए। ये तो मैंने वो माना बयान किया जो तकरीबन सब मुफस्सरीन ने बयान किया। एक और माना इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो तो बिल्कुल परेशान सा कर देने वाला है। एक और माना जो कि हजरत इमाम राजी ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि अच्छा इससे पहले उस माने की एक दूसरी तरह की तस्वीर मैं आपकी खिदमत में ला चुका हूं, जरा वो तस्वीर समझ लीजिए ताकि अगला माना आपकी खिदमत में समझ आ जाए। ये देखिए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का से निकलते और मुख्तलिफ मंडियों में जाते, मुख्तलिफ मेलों में जाते, मुख्तलिफ रश के मौके पर तशरीफ लेकर जाते, तो ऐसा होता कि मक्का वाले जो सरदार थे कुछ औबाश नौजवानों को रसूल के पीछे पीछे भेज देते और कहते कि जिधर ये जाएं तुम भी जाना। भाई हमने करना क्या है? भाई तुमने करना ये है, जब ये मोहम्मद बोलेगा तो तुमने बोलकर शोर डाल देना है ताकि इसकी आवाज दब जाए, इसका कलाम समझ ना आ सके, कोई मफहूम ना पाए कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं। यह तुम्हारी ड्यूटी है। तो महसूस किया आपने कि हुजूर के बोलने को रोकने का एक एहतमाम यह हुआ था कभी कि शोर डाल दिया जाए, आवाजें ऊंची कर दी जाएं ताकि रसूल का बोल लोगों तक पहुंच ना सके। उन्होंने बड़ा जोर लगाया लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की मुबारक पुश्त पर अल्लाह की रहमत की थपकी थी। आप कोई अकेले थोड़े थे, अल्लाह की रहमत का हाथ था, अल्लाह की नुसरत थी, अल्लाह की ताईद थी। उन्होंने कानों में अपनी रुइयां भी ठोंसी लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिस सीने को नूर से भरना था वो आखिर उन्होंने खुद अपने कानों की रुइयां निकाल करके फेंकी और दिल में कहा कि यार ये लोग हमें इतना मना करते हैं कि ना सुनना बात, ना सुनना बात मोहम्मद की, जरा देखें तो सही कि है क्या। ये पता है फितरत का कौन सा निजारा है कि इंसान बाज़ औकात बल्कि अक्सर औकात वो किसी की राय के अगेंस्ट चलना चाहता है, उलट चलना चाहता है। लाहौर के जमाने के लतीफे कभी कभी याद पड़ जाते हैं। अगर कभी कोई पंफलेट्स छपते ना तो कुछ लोग चाहते कि इन्हें सब लोग पढ़ें तो उसका टाइटल बनाते इसे मत पढ़िए। अब ये एक टाइटल मैंने कई बार देखा, इसे मत पढ़िए। अब जिसके हाथ में जाता वो कहता है इसे मत पढ़िए, क्यों? देखते हैं कि है क्या। ये इंसानी तबीयत है। तो जितना उन्होंने रोका ना कि ना सुनना कलाम मोहम्मद का, उन्होंने कहा सुने तो सही है क्या। बस वो इसी है क्या में मुस्तफा जाने रहमत की हल्का गुलामी में दाखिल हो जाते। अच्छा मैं बात ये करना चाहता था कि हुजूर के कलाम का फायदा लोगों को ना पहुंचे, एक एहतिमाम काफिरों की तरफ से ये था शोर डाल देते, एक और एहतिमाम भी था। अब आपको समझना आसान हो जाएगा। बिअफवाहिहिम, मैं एक जुमला अहले इल्म के लिए बोलूंगा, बिअफवाहिहिम, हिम जमीर का मर्जे अंबिया की ज़वात कुदसिया हैं, रसूला ने केराम है। माना यह था कि जब रसूल उन्हें दावत देते ना तो ये काफी लोग हाथ बढ़ाकर उनके मुंह के आगे रख देते ताकि ये बात ना कर सकें, ताकि ये जैसे किसी का गला घोंट देना, आवाज को दबा देना, होंठों को आवाज महसूस ना हो जाए। तो ऐसा ऐसा भी रसूलों के साथ किया गया है। आप कहोगे क्या ऐसा ऐसा किया गया है? अभी आपको देखना ये बड़ा कम लगेगा जब मैं यूं कहूंगा कि अंबिया को आरों के साथ चीर भी दिया गया था। के मुकाबले में मुंहों पर हाथ का रख देना ये तो बड़ा कम लगेगा। अलगरज इस हिस्सा पर तीन में से दो तफसीरें मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी हैं कि जब रसूल उन्हें दावत देते तो रसूलों को इस शिद्दत का सामना करना पड़ा है कि कभी उनके मुंहों पर हाथ रख दिया जाता और कभी वो अपने मुंहों पर मारे ताज्जुब के हाथ रख देते हैं। एक अल्लाह क्या निजामे कायनात चला सकता है? आज मैं हंसा जब इमाम राजी के उस एक लाइन पर जुमले को मैंने पढ़ा, मैं आपको भी पढ़कर सुना देता हूं। आपने कहा कि ये कितने ताज्जुब की बात है, ये कितने ताज्जुब की बात है कि काफिर एक अल्लाह का इनकार कर रहे थे। ये आपने कहा कितने ताज्जुब की बात है। और इस पर जो आपने जुमला कसा, यकीन जानिए वो बड़ा ही समझने वाला है। आपने कहा एक अल्लाह की कहानी, वैसे आपने तो चार कही हैं कि एक अमल से चार बातें समझी जा सकती हैं। मैं वो चारों की चारों नहीं बताता आपको, लेकिन क्यों वो बाकी तीन जरा मुश्किल हैं। आपने कहा किसी बच्चे के सर पर थप्पड़ मारो ना मुंह पर और
थप्पड़ मारकर जरा आगे पीछे हो जाओ तो बच्चे को नजर ना आए कि थप्पड़ मारा किसने है। इस अमल से अल्लाह के होने का सबूत भी है, नबी के होने का सबूत भी है, कयामत के होने का सबूत भी है, और जजा सजा बरहक है इसके होने का सबूत भी है। पढ़ना चाहो तो यह मेरे सामने इस वक्त सफा नंबर 91 बन रहा है, 91 सफा नंबर तफसीर कबीर का, और जिल्द नंबर ये 19-20 हिस्सा बनता है। ये अहले इल्म को मैंने इशारा दिया, वो दिलचस्प पैराग्राफ पढ़ने वाला है, लेकिन अब मैं इस बात की निशानदही आपके सामने करूं कि काफिरों का इनकार करना कि अल्लाह एक नहीं है, ये तो एक बच्चे के अमल से समझा जा सकता है। आपने कहा देखो बच्चे के सर पर या मुंह पर जब थप्पड़ लगाओ तो थप्पड़ मारने वाला नजर ना आए, तो बच्चा पहला सवाल करता है मुझे किसने मारा है, वो कौन है जिसने मुझे मारा है। बच्चे को रहने दो, हर इंसान यही करता है, जिस इंसान के साथ भी कोई हाथ हो जाए और हाथ करने वाला नजर ना आए तो यही तो सवाल होता है, ओए किसने ये काम किया है, ये इंसान की तबीयत है। बच्चों का हवाला इसलिए दिया कि बच्चे फितरत से जरा ज्यादा करीब होते हैं। तो जी बच्चे को थप्पड़ लगा, उसने फौरन सवाल किया, इमाम राजी कहते हैं कि समझ फिर ये आई ना कि एक छोटा सा थप्पड़ भी हो ना तो वो भी खुद नहीं लग सकता, कोई लगाने वाला होता है। तो इतनी बड़ी कायनात के बारे में ये कह देना कि ये खुद से है, कोई इसे बनाने वाला नहीं है। हमारे आइम्मा किबार ने एक एक जुमले से, एक एक फेल से, एक एक अमल से क्या क्या नताइज। अब अगली कहानी मैं नहीं कह सकता, मुश्किल भी है और दिलचस्प तो है ही है कि इसमें नबी की नबूवत का भी सबूत हो जाता है, यानी ये अकली दलाइल, क्योंकि आप बहुत बड़े मंतकी थे, आप बहुत बड़े फलसफी थे, इमाम राजी हुए और इमाम गजाली हुए, ये बहुत बड़े मंतकी थे, फलसफी थे, इसलिए ये अकलियात से बहुत कुछ साबित करने का इमाम करते रहते थे। इरशादे बारी हुआ, वकालू इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिही, हाथ रखते मुंहों पर, अंबिया के मुंहों पर, और कह देते जो तुम लाए हो हम उसका इनकार करते हैं, वइन्ना लफी शक, हमें शक है कि जो कह रहे हो क्या ये सही है या कि ये सही नहीं है, हम तो शक में हैं और शक वाली चीज हम कबूल नहीं किया करते। कालत रुसुलुहुम, उनके रसूलों ने उनको कहा, अफिल्लाहि शक्कुन, अल्लाह के होने में क्या शक करते हो। ये कहने के बाद फौरन बहुत बड़ी सारी दलील जिसका इनकार नहीं हो सकता था अल्फाज में सामने ले आते, वो रसूल कहते फातिर समावाति वल अर्द, अल्लाह के बारे में शक, जिसने इतने बड़े आसमान बना दिए और जिसने इतनी बड़ी जमीन बना दी उस अल्लाह के बारे में शक करते हो। याद रखो अल्लाहु अकबर, कलाम ठंडा हो गया, कलाम मीठा हो गया, कलाम रसीला हो गया, कलाम में जज्ब आ गया, कलाम में कशिश पैदा हो गई जब रसूलों ने यह कहा ना कि मैं जिस अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूं, असल बात है कि वो खुद बुला रहा है तुम्हें, यदउकुम, वो तुम्हें बुला रहा है। हमें क्यों बुला रहा है वो अल्लाह, फरमाया लियगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि तुम्हारी ही गलतियां अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। अल्लाह तुम्हें इसलिए अपने पास बुला रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, अपनी दावत का नूर तुम्हें दे रहा है ताकि अल्लाह तुम्हें फायदा पहुंचा दे। रसूलों की दावत अल्लाह की दावत होती है और अल्लाह की दावत हमें असल में फायदा पहुंचाने के लिए होती है, अल्लाह की दावत हमें असल में रहमत से करीब करने के लिए होती है, अल्लाह की दावत हमें असल में गुनाहों से बख्शिश दिलाने के लिए होती है। चाहो तो सूरह बकरा के वो अल्फाज पढ़ लो जिसमें रब्बे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, वल्लाहु यदउकुम इलल जन्ना, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, और ये काफिर तबका और ये शैतान तबका तुम्हें दोजख की तरफ बुला रहा है। इरशाद हुआ यदउकुम लियगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे बास गुनाहों को माफ कर दे। अच्छा यहां लफ्ज आ गया है कि बास गुनाहों को माफ कर दे। हजरत इमाम राजी ने यहां दो बहसें इरशाद फरमाई हैं। पहली बहस यह है कि जो पहली अकवाम हुआ करती थी उनके बारे में किताब हिकमत हमेशा यूं ही बोलती है, अल्लाह तुम्हारे कुछ गुनाह माफ कर देगा, अगर तलब करोगे तो अल्लाह तुम्हारे कुछ गुनाह माफ कर देगा, ये काम करो तो अल्लाह तुम्हारे कुछ गुनाह माफ कर देगा। पहली कौमों के साथ अल्लाह की अताओं का मुआमला कुछ ऐसा था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की कौम के साथ अल्लाह की अताओं का मुआमला कुछ ऐसा है। फरमाया कि यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, तुम्हारे तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने की जरूरत तो है ना, तलब करने की जरूरत तो है ना, जुस्तजू सजाने की जरूरत तो है ना, कशकोल बढ़ाने की जरूरत तो है ना, जरा उससे अंदर ही अंदर से वो लौ लगाने की जरूरत है ना। जैसे वो सुल्तानुल आरिफीन ने यह जुमला इरशाद फरमा दिया था ना कि नकर ए रब
ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ, ना कर मिन्नत तू खाज खिजर दी तेरे अंदर आब हयाती हूँ। शौक दा दीवा बाल अंधेरे मतलब भी यार खड़ाती हूँ। तो कुछ लो लगाने की जरूरत है ना, कुछ दिलों को मैलान देने की जरूरत है ना। अलगरस पहली बहस ये है कि अल्लाह की अताओं का मामला इधर ये है, कोई बंदा हाथ जोड़ देना अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, कोई बंदा अथरू गिरा देना दो चार वो कहे मौला बस हो गया जो हो गया अब कर्म कर देना अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। दूसरी बहस जो आपने उठाई वो ये है कि गुनाहों की बख्शिश का ताल्लुक एक अदल से है और एक फजल से है। गुनाह अदल से भी माफ होते हैं और गुनाह फजल से भी माफ होते हैं। भाई अदल का माना बैलेंस करना, एक बंदे ने तौबा की ए अल्लाह माफी आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा तो अल्लाह माफ करे, क्योंकि अल्लाह की रहमत की रहमत होने का तकाजा है कि बंदा उसकी तरफ आए तो अल्लाह उसे माफ करे कि उसकी रहमत का तकाजा है। तो अदल, इधर से बंदा बढ़ा इधर से रहमत बढ़ी, तो ये अदल है कि बंदे ने तौबा चाही बख्शिश चाही तो अल्लाह ने अता फरमा दी। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह फजल से भी माफ कर देता है, यानी बाज़ औकात ऐसा है कि बंदे ने तौबा चाही नहीं अल्लाह को उसकी किसी अदा पर प्यार आ जाए अल्लाह वैसे ही माफ कर देता है, अल्लाह उसे वैसे ही माफ कर देता है। इस पर कुरान हकीम से बहुत सारे शवाहिद पेश किए गए, लेकिन मैं देखें आपके सामने कहने लगा हूं, मुझे मेरी नजर इस वक्त जा पड़ी जो ठीक इस उन्वान पर हदीस शरीफ जुड़ रही थी। वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया था कि पहले जमानों का एक शख्स था, तो वो रास्ता सफर तय करते करते कुएं से उसने पानी निकाला और पिया, मैं बड़ा मुख्तसर बोल रहा हूँ, फिर एक कुत्ते के बच्चे को भी उसने साथ ही पानी पिला दिया। हदीस के अल्फाज क्या थे, फबिहाजा अल्लाह ने इसी अमल की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अब महसूस किया आपने कि यहाँ कोई तौबा नहीं की थी उसने, हुजूर ने जिक्र ही नहीं किया, कोई इस्तिग़फ़ार नहीं चाही थी उसने, उसकी अदा अच्छी लग गई कि कुत्ते के बच्चे से अच्छा सलूक हो गया, तो हुजूर ने फरमाया इसी वजह से अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो अल्लाह फजल से भी चाहे तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे, कुफर के सिवा, कुफर पर उसने फैसला कर दिया कुफर वाला गुनाह मैं मुआफ नहीं करूंगा, शिर्क वाला गुनाह मैं मुआफ नहीं करूंगा, और वो चाहे तो बंदे के रोने को बंदा फरियादी बनकर आ जाए ना मौला बचा ले शैतान लूट के ले गया मुझे, अल्लाह इस पर भी माफ करता है। और बाज़ औक़ात बंदा वो सोने वालों से कहा जा सारी खुदाई तेरी, कुछ ऐसा है ना मुआमिला कि बाज़ औक़ात चलते चलते कोई बंदा कोई अदा कर बैठे अल्लाह उसी पर उसे ऐसा नवाजता है कि उसकी पुश्तें भी अल्लाह की रहमत का फैज पाती रहती है। इरशाद बारी हुआ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم, अल्लाह चाहता है तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारे कुछ गुनाहों को माफ कर दे और तुमसे अपना अजाब रोक ले। काफिर कहने लगे कि आप तुम तो हमारी तरह बशर हो, ये काफिरों ने कलाम किया। तकरीबन तमाम रसूलों को इस जुमले का सामना करना पड़ा और इस तलखी वाले लहजे का सामना करना पड़ा कि वो अल्लाह के नूर की दावत दें और आगे से कह दिया जाए और तुम और हम इंसान ही तो हैं, क्या फ़र्क है तुम में और हम में। ये जुमले काफिर लोग अंबिया के साथ बोलते रहे मुख्तलिफ मराहिल में सिपारा जात में, मैं आपको बताता रहा। आज मेरी तबीयत में ज़रा एक इन्बिसात भी है कि इस आयत की तशरीह करते हुए हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मसनवी में, जब गुज़श्ता बार मैंने पढ़ाई थी बच्चों को तो उसके अंदर ये पैराग्राफ गुजर गए थे, मैंने पढ़ाए थे उन्हें, तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारा ये दो कॉलम लिखे हैं, यानी एक मिसरे के अंदर एक तस्वीर की कहानी और दूसरे मिसरे के अंदर दूसरी तस्वीर की कहानी। मुराद ये था कि काफिरों ने रसूलों से कहा कि तुम हम जैसे बशर ही तो हो, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तुम हम जैसे बशर ही तो हो, तो फरमाया कि बशर होने में तो ये दोनों दिखते हैं कि ये भी इंसान हैं, रसूल इंसानी भेस में खड़े हैं, काफिर तो खालिस हैं ही इंसान। मैंने जुमले आपको शायद नहीं महसूस कर पाए, काफिर तो हैं ही इंसान लेकिन रसूल इंसानी भेस में तशरीफ़ फरमा है। अब ये दोनों तरफ ये तस्वीरें रख करना मौलाना रूम के अल्फाज में पांच शेर आपकी खिदमत में बतौर इस उन्वान को समझाने के अर्ज करना चाहूँगा। आप इरशाद फरमाते हैं गुफ्त ई के मा बशर ईशा बशर माओ ईशा बस्ताई खौबी मुखर, फरमाते हैं कि इन काफिरों का ये कहना कि हम भी बशर हैं और ये भी बशर हैं, हम भी खाते हैं और ये भी खाते हैं, हम भी सोते हैं और ये भी सोते हैं, इनकी नज़र इससे आगे तजावुज़ न कर सकी। इन्होंने नबी के खाने को देखा,
इन्होंने नबी के सोने को देखा, ये जिन काफिरों की बात हो रही है, तो ये खाने और सोने को देखकर कह बैठे हम एक जैसे हैं, लेकिन ई नदानिस्तंद ईशो अजामा हस्त फरके दरमिया बे इंतहा। और ये बात ना जान सके कि ये इंसानी सफ में रसूल भी खड़े तो हैं लेकिन हम में और इनमें बे इंतहा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अब मसनवी में तो आपने ये फर्क बहुत डिटेल से बयान किया, लेकिन तीन बातें मैं यहां आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। कहते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे के मौलाना रूम फरमाते हैं नबी में और गैर नबी में अगर फर्क समझना हो ना तो जरा तस्वीर के ये दो रुख बताता हूं फर्क समझाने के लिए। बिल्कुल ऐसे जैसे के हर दो यक गुल खुरो जंबूर नहल जाके शुद नीश जा दीगर असल। फरमाते हैं कि ये जो जिसे आप तंबूड़ी कहते हो ये फूलों पर बैठती है कि पत्तों पर बैठती है कि ये रस चूसती है अपनी गिजा लेती है, हम पंजाबी में इसे पूंड कहते हैं, आप इसे तंबूड़ी कहते हो, तो ये जितने भी इस तरह के पतंगे हैं जो फूलों पर बैठें और रस फूल का चूसें, फरमाते हैं देखो ना ये फूल का रस तो इस तंबूड़ ने भी चूसा है और फूल का रस शहद की मक्खी ने भी चूसा है, इसने चूसा तो डंग बना दिया और उसने चूसा तो शहद बना दिया, फर्क महसूस हुआ है। खाने ही को सिर्फ नहीं देखना चाहिए, खाना दोनों का एक, एक ही फूल एक ही पत्ती और उसके एक ही कॉम्प्लेन, लेकिन एक ने चूसा तो डंग बना दिया एक ने चूसा तो शहद बना दिया, समझना चाहिए। काफिर खाना खाते हैं तो जहर है फसाद है इनके जिस्मों के अंदर, अगर नबी खाना खाता है तो अल्लाह की रहमत का शहद बन जाया करता है। फिर आपने एक और फर्क बयान किया, हर दो गू आहू गया खुरदंदो आब जी यके सरगी शुदो जा मुश्क नाब। फरमाते हैं ये देखो ये बकरा है इसने भी तो घास ही खाया है ना, और इस हिरन को क्या हुआ इसने भी तो घास ही खाया है ना, बकरा घास खाता है तो मेंगनियां निकल आती हैं और ये हिरन घास खाए तो अल्लाह इसमें से कस्तूरी कशीद देता है और कस्तूरी बनाकर तुम्हारे सामने घास ही में से बनती है ना, जो भी जानवर के वजूद से जो कुछ भी बनता है उसी घास में से तो बनता है, ये भैंस का दूध आखिरकार बनता तो उसी घास में से है। फरमाया फर्क समझ आया ना कि बकरे ने भी खाई वही गिजा है, हिरन ने भी खाई वही गिजा है, किधर वो बदबूदार मेंगनियां और किधर अल्लाह ने मुश्क बना दिया। बस जानना चाहिए कि खाने तुम दोनों खाते हो लेकिन तुम खाओ तो वो कुफर की मेंगनियां करो और रसूल खाएं तो अल्लाह उनके वजूद में मुश्क की खुशबू पैदा फरमा दे। और ये सहाबा खुद इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जब पसीना आया करता था तो हम वो पसीना संभाल कर शीशी में डाला करते थे, जब कहीं किसी की शादी होती ना तो हम दुल्हन को वही हुजूर का पसीना बतौर खुशबू लगाया करते थे। ये तो सहाबा के अपने बयानात हैं, चाहो तो पढ़ लो मिशकातुल मसाबी, मैंने कौन सा कोई बहुत दूर का हवाला दिया कि किताब मुयस्सर ना हो सके, तो चाहो तो और बहुत सारी सीरत की किताबें आप पढ़ सकते हो। आखिरी जुमला समाप्त कीजिए इस नशिस्त में जो आखिरी कलाम मैं कहना चाहता हूं, ई खुरत गर्दत पली दी जी जुदा वहां खुरत गर्दत हुमा नूरे खुदा। काफिर खाए तो सारे का सारा पलीदी बन जाता है और रसूल खाए तो सारे का सारा नूरे खुदा बन जाता है। ये रसूलों में फर्क जानना चाहिए रसूलों को। अच्छा मैं ये फर्क सिर्फ मौलाना रूम ही ने तो बयान नहीं किया, रब कायनात ने क्या इस उनवान को अपनी किताब का हिस्सा नहीं बनाया है? आओ मैं बताता हूं, जब काफिरों ने कहा कि आप और हम बशर ही तो हैं इंसान ही तो हैं, रसूलों ने ठंडे मिजाज से कितना जबरदस्त जवाब दिया, तो मैं कि इन्नहु इल्ला बशरुम मिसलुकुम है, ठीक है चलो हम तुम्हें तुम जैसे बशर नजर आते हैं, ठीक है चलो हम तुम्हें तुम जैसे बशर नजर आते हैं, लेकिन अगली बात क्या है, वलकिन अल्लाह यमुन्नु, अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया है वो नहीं देख रहे हो, अल्लाह ने जो हमें नबी बना दिया वो नहीं देख रहे हो, अल्लाह जो वही भेज रहा है क्या वो नहीं देख रहे हो, जो हमारे घरों के सहनों में जिब्रील उतरते हैं क्या वो नहीं देख रहे हो, अल्लाह की बशारतें जो हमारे कंधों पर मियां लदी हुई है तो क्या वो तुम नहीं देख रहे हो। यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, इंसानों ही में से अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहे तो मन फरमा देता है, उस पर एहसान फरमा देता है, नबुव्वत से सरफराज कर देता है। वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, काफिरों का दूसरा चौंचला यह था कि वो कहते थे कि आप हमें कोई वो निशानी बताओ जो हम चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं वैसे करके दिखाओ। रसूलों ने करके दिखाया भी कई बार, कई मौकों पर करके दिखाया। क्या हमारे रसूल पाक ने काफिरों के कहने पर चांद नहीं तोड़ा था? क्या हमारे रसूल पाक ने और बहुत सारे मुअजिज़ात काफिरों के कहने पर, दरख्तों का हटाना, जानवरों का आना, क्या ये कंकरों का बुलवाना ये नहीं किया था? हुआ था, लेकिन चूंकि वो अटकल पच्चू में थे, जिद्दबाजी में थे, हट धर्मी में थे, इसलिए फरमाया कि भाई बात यह है कि जो मुअजिज़ा अल्लाह हमें देता है हम तुम्हें वही
ही दिखाएंगे, अपने पास से हम कोई शायद तुम्हें नहीं देंगे, जो इजाजत होगी दिखा देंगे। माना यह था अपने पास से नहीं, इल्ला बिइज़्निल्लाह, हुक्म होगा फलाने रसूल मौजज़ा दिखा दीजिए हम दिखा देंगे, और जब उधर से हुक्म नहीं होगा हम नहीं दिखाएंगे, भाई जो हमने दिखा दिया इतना ही तुम्हारे लिए काफी है अगर ईमान लाना है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। बहुत सादा सबक है और दूर रस सबक है कि हालात की तलखी में तवक्कुल अल्लाह ही पर रहना चाहिए, हालात की संगलाखी में तवक्कुल अल्लाह ही पर रहना चाहिए। ये देखो टोटल के टोटल हालात मुखालिफ हुए पड़े हैं रसूलों के, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा फबतियाँ, उल्टा मजाक, उल्टा तमस्खुर, और उल्टा ये कहना कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है, फिर उल्टा ये कह देना कि तुम और हम बराबर ही तो हैं, कुफर और ईमान कहाँ बराबर हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद नबियों के हाथ में अल्लाह के तवक्कुल की रस्सी कितनी मजबूत नजर आती है। फरमाया वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, जो ईमान वाले होते हैं वो तो अल्लाह ही पर तवक्कुल किया करते हैं। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, और हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें, उसने अपने रास्तों की हमें हिदायत अता फरमाई है। रही बात जो तुम शरारतें कर रहे हो, छेड़ रहे हो, फब्तियां कस रहे हो, अजियत दे रहे हो, लनस्बिरन्ना अला मा आदैतुमूना, जो तुम अजियत हमें दे रहे हो हम इस पर जरूर सबर करेंगे। बहुत सारे सबक एक ही जुमले में रब्बे कायनात ने फरमा दिए कि अल्लाह के रास्ते में काम करने वालों तुम्हें सताया जाएगा, और फिर साथ ये भी कि जब सताया जाए तो हिम्मत तोड़ना देना, हिम्मत तोड़ना देना। नबियों का सबक ये होता है लनस्बिरन्ना, हम सबर करेंगे, लनस्बिरन्ना, हम सबर करेंगे उन अजियतों पर जो तुम हमें देना।